हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी एक डिश, एक डेज़र्ट जो कि हम दूध से बनाएंगे, और ये हैं सेवैयाँ। हम सब जानते हैं सेवैयाँ कैसे बनाते हैं और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और तो मैं भी अपना एक छोटा सा वर्जन आपके साथ में यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे सेवैयाँ बनाती हूँ। बहुत ही झटपट बनके तैयार होता है ये डेज़र्ट। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ली है मार्केट वाली सेवैयाँ जो कि पैकेट में आती हैं रोस्टेड। तो इनको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ी जो ऐसी सेवैयाँ होती हैं लंबी लंबी, वो खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं थोड़ा सा इसको क्रश कर लेती हूँ। आप चाहें तो ऐसे ही बना सकते हो। तो इनको मैं इतना क्रश करूँगी कि हमारे वर्मिसले जितनी हो जाए, बिल्कुल ऐसी लगेंगी। और वैसे तो जैसे मैंने बताया कि ये रोस्टेड हैं, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा रोस्ट करूँगी देसी घी में। तो थोड़ा सा हेल्दी भी है और थोड़ा इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है देसी घी में रोस्ट करने से। तो देखिए, इस तरह से मैंने इनके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। और अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक कढ़ाई। तो मैंने कढ़ाई ली है थोड़े भारी तले की, और उसमें डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी अपने सेवैयाँ। और इन सेवैयों को अब हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि थोड़ा सा कलर इनका डार्क ना हो जाए। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है, ज़्यादा नहीं पकाना इनको, नहीं तो इनमें फिर जलने की स्मेल आने लगती है। और रेगुलर चलाना है, और सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें भूनना है। तो इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, आप देख सकते हो, और देसी घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। गैस मैंने बंद कर दी है, और इसको अब एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बाउल में निकाल ली हैं सेवैयाँ, और देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनमें। और उसके बाद हम कर लेते हैं दूध की तैयारी। तो यहाँ जिस कढ़ाई में मैंने ये सेवैयाँ भूनी थी, उसी सेम कढ़ाई में मैंने लिया है 1 किलो फुल फैट क्रीम दूध। तो दूध जो है वो जितना फैटी होगा उतना अच्छा है, उतनी ही थिक हमारी सेवैयाँ बनेंगी। और दूध को गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मिल्क पाउडर का। तो 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर मैंने ऐड किया है, और इसको रेगुलर चलाते रहना है जिससे इसके लम्ब्स सारे ख़त्म हो जाएं। और मिल्क पाउडर से ये दूध जो है हमारा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा, तो लम्ब्स सारे ख़त्म कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। और यहाँ दूध हमारा काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बॉयल भी आ गया है। तो इसी स्टेज पे अब मैं डाल दूंगी इसमें सेवैयाँ, क्योंकि दूध काफ़ी रिड्यूस भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अपनी भुनी हुई सेवैयाँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें पहले ही डाल दिए हैं, थोड़े से हम बाद में गार्निश के टाइम डालेंगे। तो अभी हमारा जो दूध और सेवैयाँ हैं वो थोड़ा अलग अलग हैं, उनको मिक्स करना है अच्छे से जब तक कि ये एक सार ना हो जाए। और थोड़ा सा और थिक करेंगे इसको। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी डाल दिए हैं इसमें, और इसको बॉयल आने देंगे अच्छे से। तो बॉयल आने से ये थोड़ा सा थिक भी हो जाएगा, और दूध और सेवैयाँ आपस में मिक्स हो जाएंगी, थिक हो जाएंगी। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बॉयल आ गया है, और ऊपर इसमें आप घी देख रहे हो जो हमने रोस्ट किया था सेवैयाँ को देसी घी में, तो वो घी ऊपर आ गया है इसमें, और कुछ फैट जो हमारा दूध में था वो भी है। तो देखिए कितने अच्छे से ये आपस में मिक्स हो चुकी हैं और थिक भी हो गया है। तो इसी स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी। इससे ज़्यादा थिक हमें इसे नहीं करना है, और इसको मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल में। तो यहाँ मैंने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब इसको गार्निश करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से कोई से भी ले सकते हो, जो आपको अच्छे लगे, जो बच्चों को पसंद हो। तो यहाँ मैंने बादाम और काजू और किशमिश ली है। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, और इसको
गार्निश कर दीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी हमारी डिश बनके तैयार हो गई है, मीठी सिवैयाँ। तो अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं और आपको कुछ नहीं समझ में आए, आपके पास कुछ नहीं है, तो बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट से आप ये सिवैयाँ बना के तैयार कर सकते हो और आपके गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं आप इस तरीके से बनाओगे तो। तो यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो मिलते हैं अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।